बच्चे क्या खा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केटी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मौसम इन्जॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था और मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ बिज़ी थी, लेकिन उसके बाद जो था ना, बाहर आई हैं और मौसम इन्जॉय किया है। आमना और अनिका के फ्रेंड्स आ गए थे और नीचे से, और उन्होंने भी आके जो था ना वो बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने लिफाफे लेके धागे जो थे ना वो भाभी से बंधवा के और बहुत इन्जॉय कर रहे थे वो इस मौसम को, और बच्चे खेल भी रहे थे, फिर उन्होंने क्रिकेट भी खेली और बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना इतने दिनों से, और एकदम से मौसम ऐसा हुआ, पहले तो आंधी मिट्टी बहुत ज़्यादा और फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा मौसम। जी बच्चे खुश तो हम भी खुश, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। और अब मुझे इसके बाद करनी थी कुकिंग, क्योंकि हमने बनाया है घिया, भाभी ने बनाया था मॉर्निंग में ही, और घिया बैंगन बनाए थे, लेकिन जो था वो हमाजी ने नहीं खाना था, तो फिर उनके लिए मुझे थोड़े से कबाब का सालन बनाना था, जस्ट एक प्लेट ही बनानी थी, और वो फिर मैंने किया। और आज मेरा किचन विद आमीना था, क्योंकि आमना अगेन मेरे साथ किचन में थी, तो वो भी बस आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा मुझे कल व्लॉगिंग पे कमेंट्स, मेरे कल वीडियो पे कमेंट्स ही खुद ही ऑफ हो गए थे, और मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स के बारे में नहीं पता चल सका। ये आलू है और ये टमाटर है, हाँ जी, प्याज है, हाँ जी, कबाब है, टिक्का नहीं है, कबाब है। ये आमना के टॉयज हैं, ये बर्तन प्यालियाँ, और ये क्या है? मसाले हैं, मसाले का कचूला। मसालों का क्या? कचूला। कचूला, सही है जी। ये जी आमना बाबा के लिए खाना बनाने लगे हैं। चलो सही, बड़े बोल्डे तो नहीं डालूंगी जी। हमने खाने की तैयारी कर ली है, ठीक है, थोड़ा सा बस हमने खाना बनाना है, और ये मैं डालने लगी हूँ, ये फ्राइज हमने ऑयल डाला हुआ है, तो बस इसमें डालेंगे, फिर इसी में सालन बना लेंगे बाद में। आलू डालोगे पापा के खाने में? अच्छा, कबाब नहीं होता, कबाब होता है। आपने कह दी कि मेरे टॉयज में डालें प्याज भी, ये प्याज तीन ज्यादा है, सिर्फ दो डालने हमने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो बनाना है। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता ही था कि तीन प्याज नहीं डालने, और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ नहीं है, माइक्रोवेव पे थोड़ी पड़ा हुआ। तो ये आमना के फ्रेंड्स हो रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या बनना चाहती हैं? आपने भी मुझे क्या कहा है लास्ट वीडियो में, आमना ने सब फ्रेंड्स को बताया कि आमना शेफ बनना चाहती हैं, तो आमना कह रही है, आमना से मैं कह रही हूँ कि आमना बाहर चली जाए, आप गर्मी में ना खड़ी हो, तो फिर आमना कह रही है अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं शेफ कभी नहीं बन सकूंगी। हेलो शेफ, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? और नमक भी डालो फिर कचूमर करो ना। अपना कचूमर कर लो। चल जाओ। मिस शेफ। और
हो गए हैं बस आपके फ्रेंड्स। ऑयल मैंने कम डाला था ना। अब बताओ मिशा, इधर देखें अमना कहाँ खड़ी है। इधर देखें आंखों में मिर्चे गई है ना, मसाले में फूंक मार रही थी अमना। चले आप आए नीचे, जल्दी आ जाए जल्दी। ये अमना के फ्राइज है और मम्मी के फ्राइज है। ये जी हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी है और प्याज फ्राई हो रहा है। ये जी अमना को बिठाया हुआ, अमना फ्राइज कहीं राइट हैंड से खाए राइट हैंड से। इसमें ना ज़्यादा टमाटर जो था ना वो ज़्यादा पानी डाल के कर लिया था, क्योंकि मैंने फिर वैसे पानी नहीं डाला इसमें। होता ये है कि जब भी हम कबाब बनाते हैं ना उसको थोड़ा पानी में थोड़े से पानी में ना कर लेते हैं तो वो एक उसको हीट मिली होती है, ज़रा हो जाते हैं आसानी से पक जाते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया हुआ था इस मरतबा, तो फिर मैंने जो था ना वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था। तो बाकी मैंने बस इसमें नमक मिर्च और सूखा धनिया थोड़ा सा और इसके अलावा हल्दी डाली है, बस ये चार चीज़ें हैं। लहसुन अदरक का थोड़ा थोड़ा सा और ये मैंने बनाया था हरी मिर्च डाली है, बाद में फिर मैंने धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया था। तो बस जल्दी से ये कबाब जो हम सबके घर में सभी के बहुत फेवरेट हैं, चाहे फ्राई हो चाहे इस तरह मसाले में बने हो, मसाला कबाब कह लें या दम कबाब कहते हैं, तो ये हमारी फेवरेट है। इसके साथ मैंने बनाई थी तीन रोटियाँ। फिर मैंने एक क्लिप बनाया था, वो मेरा मिस हो गया जब मैंने इसे बाउल में डाला, डिश आउट किया और फिर वो पता नहीं क्या मैंने बनाई वीडियो, वो मेरे से गुम हो गई। खैर तो मैं फिर अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, और आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैंने ठंडे तवे पर रोटी डाल दी, देखें ज़रा मेरा हाल तेज़ियाँ। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट करते रहा करें ताकि मुझे भी पता चलता रहे अपनी वीडियोस के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।